आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 10 करने वाले हैं। अच्छा, एग्जांपल में से एक एग्जांपल है, देख लो इसमें क्या बोल रहा है कि अच्छा, इससे पहले के सारे एग्जांपल, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको पॉलीनोमियल क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बोल रहा है हमें क्या कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल हमें दिया हुआ है इतना, तो देखो अगर इसको हम देखें गौर से तो ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, यानी कि तीन जीरोज निकलेंगे इसके, तो हमको सारे जीरोज निकालने हैं। और आगे क्या बोल दिया है कि इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट टू माइनस रूट टू, अगर हमको दो जीरोज दे दिया है, यानी कि देखो तीन जीरोज निकलेगा, तीन में से तो दो दे ही दिया है, अब हमको बाकी का एक निकालना है, तो एकदम ईजी है, चुटकियों में निकाल लेंगे यार, कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। अब देखो हमें मालूम है कि दो जीरोज दिया हुआ है, यानी कि एक्स का दो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि एक हमें एक्स इज इक्वल टू दे दिया कि रूट टू, और एक हमें एंड एक हमें एक्स का वैल्यू दे दिया कितना, माइनस रूट टू। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब देखो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉलीनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, पॉलीनोमियल में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे पॉलीनोमियल में चेंज, देखना और समझना। इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, और जब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि एक्स है ना प्लस रूट टू, एंड यहाँ लगा देता हूँ एंड एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझो बात को, ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स माइनस रूट टू, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे, एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। समझो ना, देखो ना, क्योंकि हमें मालूम है इसी को तो ऐसे ले सकते हैं ना कि दो रहा तो एक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से जब ये टर्म इधर जाएगा तो जीरो, तो यहाँ से एक एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और एक हमारा यहाँ से निकल जाएगा, और उसके बाद हम लोग एक एक्स यहाँ से निकालते थे, एक एक्स यहाँ से निकालते थे, तो जैसे हम लोग निकालते थे उसी का रिवर्स करके ऐसे निकाल दिया, और यहाँ से अब जो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा आंसर। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बोलते रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर जाएगा टू, तो टू ही आ गया, इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारा एक नया एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, ये आ गया, इसी से डिवाइड करेंगे उस पॉलीनोमियल को तो हमारा जीरो निकल जाए। देखो एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका और मैं बता देता हूँ। देखो एक तरीके से तो ये निकाल लिया आपने, एक तरीका और है निकालने का, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, दो तरीका है। हमें मालूम है कि देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकलेगा, दो जीरोज है तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकलेगा। हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला, तो फोर फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, याद करो पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, याद करो। तो क्या हो जाएगा हमारा कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा के साथ में एक्स, देन क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, याद करो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने का फॉर्मूला ये हमारा, याद आया? तो हम लोग जिससे पहले निकालते थे, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो एक अल्फा हो गया हमारा कितना रूट टू, और बीटा हो गया हमारा माइनस रूट टू, यहाँ पुटेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो ना, दिखाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि रूट टू और माइनस रूट टू, तो जीरो हो जाएगा हमारा, है ना, रूट टू और माइनस रूट टू, तो करके जीरो हो जाएगा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट टू इंटू रूट टू है ना, तो रूट टू इंटू रूट टू। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर, तो अब देखो आपका जो है पॉलीनोमियल इतना ही आएगा जो हमारा निकला था। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, आपको एग्जाम में जो अच्छा लगेगा वो कर लेना। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या कि एक्स स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया, पूरा टर्म जीरो हो गया, यहाँ से हमारा फोर आ जाए, टू आ जाएगा, तो यहाँ पर तो माइनस है तो माइनस डाल दिया, ये हमारा टू हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू टू, तो ये हो गया टू,
आ गया है ना इतना, आता है इतना हमारा, तो ये आ गया हमारा इतना। तो अगर हमें ये निकालना है, क्या करना है कि क्या करना है, अगर हमें ये निकालना है कि अदर जीरोस निकालने हैं तो इतना इज इक्वल टू जीरो लेकर के चलेंगे, यानी कि इससे जो अपन उसको डिवाइड करेंगे हमारा काम बन जाएगा, हो जाएगा। तो देखो आप क्या कर रहे हैं, तो ये जो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू, देखो यही हमारा यहाँ भी आया था, तो मैंने दोनों तरीकों को मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, तो ये तरीका और हो गया, जैसे आपको अच्छा लगे निकालने का निकाल लेना। चलिए अब जो है इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू से जब इससे जब इसको डिवाइड इससे उसको जब डिवाइड करेंगे तो टू एक्स क्यूब, इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यहाँ पर जो है आपका ठीक से नहीं लिखा है, लिखेंगे पहले इसको ठीक से, तो क्यूब के फॉर्म में तो पहले क्यूब उसके बाद स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस फोर एक्स प्लस टू, इसी तरह से लिखते हैं ना, ये सही तरीका यही है हमारा लिखने का। इक्वेशन अब जो है मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहला काम तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि पहला टर्म को कैंसिल करना है किसी भी तरीके से। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यानी कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर यहाँ टू भी है, यहाँ टू नहीं है, तो टू एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स क्यूब, और टू टू जब फोर, फोर एक्स, एक्स यहाँ वाला टर्म है, तो यहाँ लिखो माइनस फोर एक्स, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ लिख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, ये भी टर्म तुम्हारा पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, बचा क्या हमारा कि माइनस एक्स स्क्वायर और ये बचा प्लस टू। चलिए तो अब कितने से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ माइनस में ही, यहाँ प्लस में, तुम माइनस वन लेंगे, माइनस वन लिया, तो अब देखो माइनस वन से उसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू। अरे बांगड़ू, देख लो हो गया सॉल्व हमारा एकदम ईजी वे में, साइन चेंज ही होगा, प्लस ही हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारा जीरो, आ गया लड्डू। यानी कि अब जो है यहाँ से हम लोग जो तीसरा जीरो जो है हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यानी कि टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो लेंगे, तो यहाँ से हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस वन जाएगा उधर, तो प्लस वन बाई टू, तो ये आ गया एक्स का वैल्यू टू, वन बाई टू। तो तीनों जीरोज हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स आ चुका है, दो तो ऑलरेडी दिया हुआ था, माइनस रूट टू प्लस रूट टू, तो आप लिख देना कि हैंस ऑल द जीरोज आर, और लिख देना कि हैंस द जीरोज आर रूट टू, माइनस रूट टू एंड वन बाय टू, तो ये तीनों जीरोज आपके निकल गए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों निकल चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, जय हिंद जय भारत।